हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावा चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सा और बहुत सारे लोगों के जो मुझे सवाल आते हैं उस पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। जब भी हम लोग केक बनाते हैं तो केक बनने के बाद थोड़ी सी व्हिप क्रीम बच जाती है, कई बार कम पड़ जाती है। तो जब भी व्हिप क्रीम इस तरह से बच जाती है या ये लेफ्ट ओवर जो व्हिप क्रीम है उसे कैसे स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कितने दिन तक इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये कितने दिन तक अच्छी रहती है या इसका टेस्ट वगैरह भी बदल जाता है, सारे जो भी मन में आपके डाउट्स है, सवाल है व्हिप क्रीम के बारे में, वो हम लोग आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो बची हुई व्हिप क्रीम के बारे में जो भी आपके सवाल है वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैंने जो केक बनाया था उसमें से इतनी क्रीम बच गई है, तो हम लोग इसका क्या और कैसे यूज़ कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो व्हिप क्रीम है गाइस, अगर आपको एक या दो दिन के बाद और एक केक बनाना है तो आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना है तो आप इसमें फ्रूट्स वगैरह डालकर या कंडेंस मिल्क डालकर इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं, नहीं तो आप कोल्ड कॉफ़ी में भी इसकी टॉपिंग करके या मफिन्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी इसे डालकर खा सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है और केक में ही इसे यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो बची हुई व्हिप क्रीम है ना उसे एक इस तरह से एक प्लास्टिक के कंटेनर में, स्टील के कंटेनर में आपको डाल देना है। यहाँ पर अभी जो क्रीम का टेक्स्चर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एकदम परफेक्ट हमारी ये व्हिप क्रीम अभी तैयार है, लेकिन अब ये बच गई है तो अब हमें इसे रखना है फ्रीजर में। तो क्या करना है, आपको इस डब्बे को ढक्कन लगाना है, लेकिन मेरे पास जो इसका ढक्कन था वो एकदम एयर टाइट नहीं था, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक इस तरह का जो प्लास्टिक का क्लिंग रैप आता है वो इसके ऊपर लगा देती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी बाहर की हवा वगैरह ना जाए। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल एयर टाइट हो चुका है, आपको भी इसी तरह से इसे रखना है एयर टाइट कंटेनर में, इसके अंदर बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं जानी चाहिए। अब हम लोग इसे रख देंगे फ्रीजर में। तो फ्रीजर में रखने के बाद एक या मैक्सिमम आपको दो दिन तक ही इसे रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रीजर में। अब दो दिन के बाद मैंने इसे निकाल लिया है क्योंकि आज मुझे बनाना है दूसरा वाला केक, तो मैंने इसे निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं एकदम आइसक्रीम की तरह ये जम चुकी है क्योंकि हमने इसे फ्रीजर में रखा था, जहाँ पर हम लोग बर्फ़ जमाते हैं ना वहाँ पर मैंने इसे रखा था, और वहीं पर आपको इसे रखना है गाइस, क्योंकि अगर नॉर्मल फ्रिज में आप लोग रखोगे तो ये ख़राब हो सकती है और इसकी टेस्ट भी कई बार बदल जाती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दो दिन के बाद हमारी जो ये व्हिप क्रीम थी वो एकदम परफेक्ट जम चुकी है, इसका बर्फ़ हो चुका है, एकदम हार्ड हो चुकी है, बिल्कुल भी ये अभी सॉफ्ट नहीं है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फिर से बीट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि फिर से दोबारा अगर हमें ये क्रीम यूज़ करनी है तो हमें फिर से इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये जो दो दिन की क्रीम है जमी हुई उसे एक बाउल में इस तरह से निकाल लेना है, और सबसे पहले इसके अंदर जो बर्फ़ है ना उसे हमें इस तरह से चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से हल्का सा इस तरह से स्मूथ करना है। आपको इसे ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर से बीट नहीं करना है, सिर्फ बस हल्के हाथ से आपको इसे इस तरह से स्मूथ करना है ताकि ये नॉर्मल पहले जैसे थी ना एकदम स्मूथ उस तरह से बन जाए। अगर आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करोगे तो एकदम पतली हो जाती है, एकदम लिक्विड हो जाती है, आप इसे किसी भी तरह का केक डेकोरेशन या केक के ऊपर आप इसे अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो आपको बस इस तरह से इसे स्मूथ तैयार करना है, फेंटना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इस तरह से इसे कर लेती हूँ, आप लोग इसके बाद इसका टेक्सचर देखिएगा। और हाँ, जो ये बची हुई लेफ्ट ओवर क्रीम होती है दो दिन तक ही आपको यूज़ करनी है, तीन दिन तक, चार दिन तक अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसकी स्मेल आने लगती है या कई बार ये थोड़ी सी खट्टी सी भी टेस्ट में हो जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन तक, एक या दो दिन तक ही आप लोग इसे यूज़ कीजिए, और पहले से ही अगर आप सारी मेजरमेंट से क्रीम लेते हैं ना तो ज़्यादा क्रीम बचती भी नहीं है, और थोड़ी सी बच भी जाती है तो आप जैसे कोल्ड कॉफ़ी में या फ्रूट्स वगैरह डालकर उसमें भी खा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे इस तरह से फेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर पहले से थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। और ये जो क्रीम है गाइस, आपको ऊपर डेकोरेशन के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका डेकोरेशन या ऊपर के फ्लावर्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, वो दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो हमारी क्रीम है
वो 2 दिन तक हमने फ्रीजर में रखी थी, इससे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाता है। तो हमें ये क्रीम यूज़ करनी है सिर्फ लेयरिंग में, जैसे हम लोग स्पॉन्ज की पहली लेयर काटते हैं, दूसरी, तीसरी, तो उस लेयर्स के अंदर आप लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको डेकोरेशन में या केक के साइड्स कवर करने हैं तो वहाँ पर आप लोग इस क्रीम को यूज़ ना करें। अंदर ये 2 दिन तक की फ्रीजर में रखी हुई क्रीम चल जाती है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरह की लेयर रखते हैं तो उसके ऊपर डालने के लिए आप ये फ्रीजर में रखी हुई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का डेकोरेशन के लिए बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार किया था तो वो डेकोरेशन पूरा ख़राब हो जाता है, बाद में मेल्टी सा हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें आज आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं और बची हुई क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं तो सारी उसके बारे में मैंने छोटी छोटी बातें आज आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और दावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।